जय गुरुदेव, जय महर्षि। क्लास नाइन्थ का एक प्रॉब्लम है ज्योमेट्री का, ब्रह्मगुप्त थ्योरम के नाम से जाना जाता है, परंतु किताबों में, एनसीईआरटी किताब में ये नहीं लिखा है। आप थोड़े से हमारे जो प्राचीन भारतीय गणित की किताबों को रिफर करेंगे तो उसमें ये प्रश्न मिल जाता है। इसमें क्या है, ब्रह्मगुप्त थ्योरम स्टेट दैट इफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज ऑर्थोगोनल, दैट इज हैज परपेंडिकुलर डायगोनल्स, देन द परपेंडिकुलर टू अ साइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अब ये देखिए, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। नाउ ऑर्थोगोनल, इट इज ऑर्थोगोनल वाई, बिकॉज डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 degree, देन इट विल बी ऑर्थोगोनल। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी is E here. From point E, if we will draw perpendicular to the side AB and extended it in opposite direction to the side AB, opposite to side AB means other side, it will bisect this opposite side. Or we can say it is midpoint. M is a midpoint of CD. If it is perpendicular and this is kept perpendicular, then it will be a midpoint. It will pass through the midpoint. जब ये 90 degree होगा तभी ये 90 degree होगा। अगर ये इस एंगल को हम चेंज कर दें तो ये 90 degree नहीं होता, मतलब वो perpendicular नहीं हो। जब भी ये 90 degree होगा तब ये 90 degree होगा, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। या ये 90 हम करें तो ये 90 होगा, मगर हम यहाँ फैसिलिटी ये है कि हम इसको 90 degree कर सकते बाई ड्रैगिंग पॉइंट ए डी बी आर सी, मगर पी पॉइंट को हम ड्रैग नहीं कर सकते। देखिए, हमने ट्राई किया, ये ड्रैग नहीं हुआ। हमारा ई पॉइंट को भी ड्रैग नहीं कर सकते और एम पॉइंट को भी, क्योंकि दीज आर डिपेंडेंट पॉइंट। ई तो इंटरसेक्शन है इनका, तो ये डिपेंडेंट हो गया ए, और पी पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी पे, देना डिपेंडेंट टू ई, जो ई डिपेंडेंट था तो पी ई डिपेंडेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट हो गया, और ई से कोई हमने पी ई को एक्सटेंड करके इधर मिलाया है, तो ये भी, तो ये तीनों पॉइंट हमारी ये नहीं हो, बाकी हम पॉइंट को ड्रैग कर सकते हैं। जब भी हम ड्रैग करके देखें अलग पोजीशन में, जब भी हमारा ये 90 degree होगा तो ये वाला एंगल भी 90 degree हो जाएगा। एंगल ये ए ई डी इज 90 degree जब होगा, तभी ये एंगल ई पी बी भी 90 degree होगा। अगर ये एंगल अलग है, कुछ भी चेंज है इस एंगल में, तो ये एंगल 90 degree नहीं होगा। ये कंडीशन है, मतलब ये ऑर्थोगोनल होने पर ही ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर से पीछे लाइन खींचे तो मिड पॉइंट पे आएगी। ऑलराइट, ये थ्योरम पहले पुरानी जो 2005 तक के जो किताबें एनसीईआरटी की चलती थी उसमें 10th class में प्रॉब्लम था, और इसको प्रूव भी किया जाता था, और थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम में से आता था, मगर हम प्रैक्टिकली वेरीफाई है इसको, वर्चुअल वेरीफाई करते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जो बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये देखिए, इस कंडीशन में तो आपका क्या है, ये ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर, ये 90 degree हो रहा, और ये 90 degree यहाँ से हमने ई से 90 degree ड्रा किया, इसी लाइन को एक्सटेंड करके जब बढ़ाया तो ये मिड पॉइंट पर आ गया। ये डी सी का मिड पॉइंट है, ये हम चेक करना चाहे तो हम यहाँ देखो इससे चेक कर सकते हैं।
एक को हमने ग्रीन में कर दिया, एक को और ब्लू में कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये डार्क कर दिया इसको, वो हमारा वो आईडी होगा, हमारा शायद चला ही गया, ये ब्लू करते हैं थोड़ा सा और ये भगवान इसको राइट कर ले। मिड पॉइंट है ये, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ, हमने इसे मिड पॉइंट निकाल के देखा था, ये मिड पॉइंट है। अब देखिए हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, ये देखिए हमारा, हम इसको और खींच के यहाँ कहीं से लाते हैं, अब ये पोजीशन देख 92 डिग्री, 93 हो रहा, 90 कम करते जा रहे हैं हम, ये 90 डिग्री हुआ तभी ये 90 डिग्री है, अदरवाइज आपने जब देखा था कि ये दोनों एंगल अलग अलग, ये देखिए अभी एंगल 96.3 है तो 88.9 है, ये परपेंडिकुलर नहीं होता, जब ये परपेंड 90 डिग्री होगा यहाँ पर एंगल, ये देखिए हम इसको फिर से लाते हैं, ये 90 डिग्री हुआ तभी ये 90 डिग्री होता और ये मिड पॉइंट है हमारा आ रहा। तो ये सेकेंड पोजिशन हमने देख ली और थर्ड पोजीशन करके देखें, हम यहाँ से देखें, हाँ परपेंडिकुलर करना है हमें तो इधर लेके आए, हाँ अब चलो यहाँ रख देते और ये पॉइंट बी को हम ये 90 डिग्री किया तो ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री तो ये मिड पॉइंट पर हमारा जा ही रही लाइन, मिड पॉइंट हमारा फिक्स है। तो ये जब 90 डिग्री होता तब ये भी 90 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं होता। तीसरी कंडीशन देख ली हमने, चौथी कंडीशन और लेके देखें हम, हाँ देखिए अभी 90 हम ट्रायल रिजर से हमें 90 डिग्री लाना है, ये देखिए जब 90 हुआ तब ये 90 हो जाता ऑटोमेटिक, ये अब ये एसी इस परपेंडिकुलर टू डीबी और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पर हमने पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्राप किया तो ये मिड पॉइंट से पास हो रहा हमारा। तो ये हम इसको और एक हाथ और कंडीशन लेके और करें, यहाँ ले आते हैं इसको, इसको ये ले लिया इसके ऊपर, चलो चेक करते हैं ये लाइन, ये देखिए यहाँ पर यह हमने इन ग्रिड के ऊपर है, ग्राफ पेपर दिख रहा होगा आपको, तो ग्रिड के एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन पर ये
AC को हमने वर्टिकल लाइन पर रखा और DB को हॉरिजेंटल लाइन पे, तो 90 डिग्री एंगल बना, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। अदर केसेस में हमारे नहीं हो रहे थे, ये थोड़ा हमने शिफ्ट कर दिया, तो एंगल 82 है ये है, तो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा। 90 डिग्री जब बनेगा तभी ये हमारा, हम कह सकते हैं कि यहाँ 90.1 है और इधर कुछ और आ गया है 125। हाँ, तो ये हम यहाँ देखिए, फिर इस कंडीशन में हमारा जी आ गए। जितने बार भी हम करके देखें, जब भी ये 90 डिग्री होगा तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का सिंबल भी आ जाए, कुछ केसेस में नहीं आ रहा था ये 90 डिग्री ऐसे, उस केस में क्या हो रहा था कि कुछ पॉइंट मिरर कुछ आ रही होगी वैल्यू, क्योंकि हमने ऑप्शन दे रखा है कि राउंडिंग आप 90 डिग्री, तो 0.1 भी 90.1 भी यहाँ रहा या 90.2 रहा तो भी वो 90 दिखा रहा था, तो इस वजह से वो ये नहीं। अब इस केस में देख सकते हैं 90 डिग्री के लिए हम ऐसा मार्क देते हैं, तो ये मार्क हमारा आ गया। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ पेपर पर है, ये वर्टिकल लाइन पर ग्राफ पेपर पे दूसरा डायगोनल है, तो ये हमारे, हमने इस थ्योरम को जो ब्रह्मगुप्त थ्योरम है या इस क्वेश्चन को कहिए आप, हमने वेरीफाई कर लिया। आशा है ये कठिन प्रश्न, हल करने में कठिन प्रश्न लहर लगता है, परंतु इसको हमने वेरीफाई किया इस बुक से, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मगर प्रूफ तो आपको वो एग्ज़ाम में के हिसाब से तैयार करना ही होगा। मेरी शुभकामनाएँ आपके लिए के साथ है, और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, और नहीं समझ में आए तो एक बार दो बार कई बार आप देख सकते हैं, ये आपके पास हमेशा के लिए एक असेट हो गया। जय गुरुदेव, जय महर्षि।